اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين वसलत वसलम अल रसूल नबी लामीन वाल वसाबी वाजवाज़ी वसलम तस्लिमन कसी राम फ़ाऊदबिल्ल समील आलिमिन शैतम मिन हमज़ी हैं वनफ़ी ऊनफ़ बसमिल्ल रहीफ इन नदक रमिन मोहतरम नादरी वसामी हकूक़ फ़राय जिस सीरीज़ में आप तमाम का इस्तबाल हैं ख़ैर मकदम हैं पिछले दरूस में बहुत सारे बुनियादी हकूक़ का हमने तस्करा किया था अभी आखिरी जो सिलसिला हमारा चल रहा था इस्टूडेंट्स के हकूक़ के सिलसिले में तो जहाँ पर तलबा और तलिबात के कुछ हकूक़ बनते हैं जिसका अदा करना मुरबीन पर माल्मात पर अस्दा पर ज़रूरी हैं वहीं पर अस्तदा मुरबीन मल यानि टीचर्स के भी जो है हकूक़ हैं जिनका अदा करना तलबा और तलीबात पर ज़रूरी तलीम और तदरीस दरअसल ये अम्बियाई कराम का जो है वीफ़ा रहा है अम्बियाई कराम को अल्लाह ताली ने तलीम और तदरीस के लिए अल्लाह ताली ने भेजा था लोगों की तरबियत तो उनकी तालीम के सिलसिले में अल्लाह के नबी वसल्लम ने अपने बारे में कहा इन मुअल्लिमा मुझे मुअल्लिम बनाकर मुझे मुअल्लिम जो है बनाकर भेजा गया तो जहाँ पर उलमा की बड़ी फ़ज़ीलत क़ुरान हदीस में जो है वारिद हुई हैं उससे ने दलील ली है अल्लाह तुर इमरान में शहीद अल्लाहल्ला अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने गवाही दी है कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं वहाँ फरिश्तों और अहले इल्म को अल्लाह ताली ने उस गवाही में अल्लाह ने एक साथ जो है, जो है जोड़ दिया है इसी तरह कुरान और हदीस में बहुत सारे मकाम पर के जो है फ़दाइल इल्म के फदाइल बयान किए गए हैं तो उन नसूस सेलमा ने जो है दलील ली है इस्तेमाल किया है कि इस मौलमी मल का बड़ा मकाम है तो उनका मकाम देना ज़रूरी है उनके साथ हर अच्छा मामला किया जाए तो उनके साथ साथन सलूक किया जाए ये तमाम चीज़ें जो है के जो मकाम मरतबा हैं उनकी फ़ीलत है उससे ने किया है इसखराज किया है तो इंदरूस में इन शाम चंद हकूक जो है बुनियादी हकूक़ का मैं जिक्र करूँगा सबसे पहला बुनियादी हक इस मिमीन का मौलम का, का ये हैं किलबा इस का अतराम करें उनके साथ अच्छा मामला करें और यह अहतराम बरए नाम ना हो बल्कि शोरी तौर पर होना चाहिए क्योंकि ये रूहानी बाप की हैसियत रखते हैं इसमी टीचर्स रूहानी बाप जैसे वालदे इंसान के जो हैं जिसमानी एतबार से औलाद की परवरिश उनकी पर्दाश के जिम्मेदार होते हैं तो उसदा मौलमी मलमात रूहानी तौर पर उनकी तालीम और तरबियत के जो हैं ज़िम्मेदार होते हैं इसलिए तलबा पर ज़रूरी हैं कि वह अपने रूहानी मुरबी अह का जो है दिल से एहतराम करें बिन यहाज़ रहमत आलिन ने फ़रमाया कि उम्मत के लोगों पर उनकी माओं और बापों से भी ज़्यादा रहम करने वाले हैं आपसे पूछा गया कि वो कैसे तो आपने फ़रमाया क्यों नहीं क्यों ना कहा कि माँ बाप तो दुनिया की आग से जो है औलाद को बचाते हैं और औरत उन्हें जहन्नम की आग से जो है बचाते हैं इसी तरह इमाम गज़ाली रहा ने भी बहुत अच्छी बातें इस सिलसिले में आपने फरमाई हैं आपने कहा कि उस्ताद का हक वालदी के हक से भी बड़ा है अतिदा का हक वालदी से भी बड़ा हैं वालदे तो जो है कहते हैं मौजूदा वजूद और फ़ानी ज़िंदगी का ज़रिया होते हैं दुनिया में मिक्बा और दुनिया की ज़िंदगी के जो हैं जरिया होते हैं जबकि इस हमेशा रहने वाली ज़िंदगी यानी आखिरत की भलाइयाँ आखिरत की ज़िंदगी के तल्ल से जो है वो ज़रिया बनते हैं और आपने कहा अगर उस्ताद ना हो तो वालदे से औलाद को जो कुछ हासिल हुआ है वो भी हमेशा हमेश की तबाही और बर्बादी की जो है बर्बादी की भेंट चढ़ जाए कहते हैं आखिर क्योंकि आखिरत की ज़िंदगी के लिए वो उस्ताद ही मुफीद होता है जो आखिरत के की सिखाता है या आखिरत के मकसद से दुनियावी दुनियावीमूम सिखाता है तो इस अतबार से देखा जाए आखिरत के अतबार से बच्चे की सही तालीम और तरबियत कि उसको उसको दीन से जोड़ा जाए उसको उसका अकीदा सही किया जाए उसके इबादत हकूक व मामल अखलाक व आदाब ये तमाम सिखाना जो है उस्ताद के ज़िम्मे होता है के वालदे अगर तालीम याफ्ता हों ये अलग मसाला है वरना अक्सर को ये देखा गया जैसा कि तजुर्बा शाहिद हैं तारीख़ शाहिद हैं कि अक्सर जो है नेात ने रिजाल जो है पैदा किए हैं एक फ़लसफ़ी ने बड़े फ़तेह की बात कहते हुए कहा कि मैं बाप का अहतराम करता हूँ कि उसके ज़रिए मैं आलमी नीस्ती से आलमी हस्ती में आया उसतास का एहतराम उससे बढ़ कर करता हूँ कि उसने मुझे नूर इल्म के ज़रिए इस आलम फ़ानी से आलम बाला में पहुँचा दिया तो इस कौल में भी इस बात की वजाहत है कि वालदे से बढ़ कर इस का मकाम है क्योंकि इस वालदे वजूद का ज़रिया बनते हैं दुनिया में आने का ज़रिया बनते हैं उनका भी बड़ा एहसान है उनके बड़े हकूक़ बताए गए हैं लेकिन इस दुनिया में कैसे रहना है और आखिरत की तैयारी कैसे करना है रब से कैसे हासिल करना है जन्नत में आला मकाम हमें कैसे पाना है ख़बर के आदाब से दुनिया के हादिसा से फिर मरने के बाद खबर का आदाब है खबर के मुश्किल घड़ियाँ हैं और इसी तरह आखिरत के जो अमूर हैं वो तमाम मराहिल आखिरत के जो अहम हैं उसकी तैयारी जो है एक उस्ताद के जरिए होती है तो इस माने में जो है का बड़ा अहतराम उनकी बड़ी कदर है उनकी मंजिलत हैं तोलबा को चाहिए कि इसकी तज़ीम व तो़िर करें हर अच्छा मामला उनके साथ करें और ऐसा सलूक और ऐसा मामला ना करें जिससे जो है उनके अहतराम में कोई खलल होता हो नक्स पैदा होता हो जैसे उनके सामने बुलंद आवाज़ से गुफ्तु की जाए इसी तरह शोर शराबा करना छेड़खानी की जाए झगड़ा लड़ाई हो बहस हो या उनको उनके नामों से पुकारा जाना ये तमाम जो है अहतराम के ख़िलाफ़ तलबा को चाहिए इस्टूडेंट्स को चाहिए कि उसदा अपने मिल्मात का मरबीनान का जो है अदब अहतराम करें इसी तरह कोई बात पूछनी है कुछ कहना है तो शेख महतरम मौलाना या उस्ताद मोहतरम इस तरह के जो बेहतरीन अलफा जो आम तौर से इस्तेमाल किए जाते हैं उसका इस्तेमाल करें और उनका नाम ना लें और ऐसे अलफा इस्तेमाल ना करें जिससे उनकी शान में जो है उनके अहतराम में उख़ी होती है प्यारे नबी सल्हल फरमाए सामा मल महम सगीरना और युर राना सुरन तिरमिजी की सही रिवायत कि वो शक हमें से नहीं है जो हमारे छोटों पर रहम ना करें और हमारे बड़ों की इज़्ज़त व तदीम ना करें तो अल्लाह के वसल्लम ने इस हदीस में जो है बड़ों का अदब एहतराम उमूा हर कस्म के जो उम्र में बड़े हों हर एक का अदब एहतराम बिलखसूस का इसका का मामा का अदब वहतराम ज़रूरी है इसके अलावा जो है इसके बग़ैर हासिल नहीं होगा शलफ़ में जो है बहुत सारी मिसालें हैं तारीख़ में बड़ी मिसालें हैं कि इस का अदब एहतराम हमारे असलाफ ने किस तरह किया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने साहबा किस तरह जो है अल्लाह के नबी की मजलिसों में बैठा करते थे बल्कि उसकी मिसालें दी गई जैसे इस तरह बैठते अदब अहतराम के साथ कि गोया उनके सरों पर जो है परिंदे बैठे हुए बगैर किसी हरकत के बगैर किसी ऐसी नकल हरकत के कि जिससे कोई खलल मजलिस में जो है खलल पैदा हो, सहा की बेशुमार मिसालें हैं इस तरह की अल्लाह के वसल्लम का पूरा ख्याल करते थे और हम जानते हैं कि सूर अहज़ाब की जय सुर हुज़रात की जो आयत नादिल हुई यादीना आमन वर फो असवा तो ख़सोत नबी वाला तज हर लहु बिल्कौल कजहरीबाग कुम इस आयत के शान नजूर में कहा गया कि एक मरतबा बनु तमीम के का वफ़ जो है जब तशरीफ़ लाया अबू वकरी रदी तन और उमर रदील्ल् दरमियान कुछ बहस हो गई आवाज़ें बुलंद हुई जब आयत करीमामा नाजिल हुई अल्लाह में अब कसी रहमत नक़ल की अपनी तफसीर में अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह तुम बयान करते हैं कि इस आयत के नाजिल होने के बाद उमर रदील्ल तह प्यारे नबीम के साथ इस कदर पस्त आवाज़ में गुफगू करते कि अल्लाह के नबीस को पूछना पड़ता कि उमर क्या कह रहे हो अल्लाह इस तरह सहाबा का मामला था साबित बिन खै बिन शम आ, साबित बिन खै रौती का भी वाक्य मशहूर हैं जब आयत नाजिल हुई आप घर पर बैठ गए उनकी आवाज़ फितरी तौर से बुलंद थी परेशान हो गए रोते हुए बैठ गए अल्लाह के नबी सा जब दरियाफ़त किया तो पता चला कि वो अपनी बुलंद आवाज पर जो है शर्मिंदा हैं अफसोस कर रहे हैं तो उनको कहा गया कि तुम उन लोगों में शामिल नहीं हो फिर ये फितरी चीज़ है अल्लाह अकबर इस तरह जो है सहाबा का मामला था बेशुमार मिसालें बेशुमार मिसालें जो है सहाबा की ज़िंदगी मिलते हैं प्यारे नबी का किस कदर उन्होंने एहतराम किया आपका आपके साथ अच्छे मामला किए हुस्न सलूक से पेश आए जैद बिन बिनित रदी अल्लाह तहु का देखिए जैद बिनत ने जनाजे की नमाज़ पढ़ाई और सवारी पर सवार होकर जा रहे थे अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तुमा करीब आए और आकर आपके रिकाब को जो है थाम लिया जैद बिन सबित रौील्ल्ला बराबर कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल के चचाजाद भाई आप रिकाब छोड़ दीजिए तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रौदी तौा अर्ज़ किया कहाँ हाँ कदा उमिर ना अन नफ़ अलाबाकुबरा कहाँ कि हमें इसी बात का हुक्म दिया गया कि हम अपने इस अपने बड़ों का अदब एहतराम करें उनकी खिदमत करें और उनका जो उनके साथ जो है बेहतरीन सलूक करें इस तरह की कई मिसालें जो है, हैं मिलती हैं तो तलबा को चाहिए कि उसदा के साथ जो है पूरा अहतराम और उसने सलूक से पेश आए उनके अहतराम का पूरा मुकम्मल ख्याल रखें इसी तरह इस के सामने तोज़ो आजिज़ी इनके सारी जो है इख्तियार की जानी चाहिए इससे जो है इंसान को बलंद मक़ाम मिलता है तारी शाहिद है कि साहबा ने अल्ला के नबी सा के सामने मुकम्मल तोज़ो इख्तियार किया ने उनके मकाम को ऊँचा किया सहबत का सिर्फ़ सहबत का जो शर्फ उसकी जो फजीलत है उसका मकाम और मरतबा है किसी और को मिलने वाला नहीं तो सहाबा ने इस पर अमल किया फिर सहाबा का जिन्होंने अहतराम किया उनको मक़ाम मिला ऊँचा मक़ाम जो तब तबइन को मिलने वाला नहीं तो अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया मा तवादा मातबाद अहदुल्ल अफा सही मुस्लिम की रिवायत कि अल्लाह की खातिर जो तोज़ु इख्तियार करता अल्लाह उसके मक़ाम मरतबे को बुलंद फ़रमाता है तारीख शाहि हर दौर में जिन्होंने अपने इस का अहतराम किया उसने सलूक से पेश आए वक्त के बड़े बड़े मुहदसें फ्क्रन उदबाल और अपने अपने फ़न के जो हैं शहसवार बनकर उभरें आज भी आज भी हम देखते हैं कि वो तलबा जिन्होंने अतिदा का अदब अहतराम किया उनके साथ अच्छे मामलों से पेश आए अल्लाह ने उनको जो है उनके मकाम को बुलंद फ़रमाया है मूसीम और खिजर अलैहिस्सलाम का वाक़ कहफ में अल्लाह ने ज़िक्र किया है कि वहाँ मूसीम ने पूरे अदब तवाजो इनके सारे के साथ उन्होंने अर्ज़ किया हल अत का ओका हल अत तबी ओका तो मम उम तरुशदा कि मैं आपकी ताबेदारी करूँ कि आप मुझे स्नक इल्म को सिखा दें जो आपको सिखाया गया है बड़े अदब एहतराम के साथ मूसा सलाम ने जो है खजर आसमाम से दरख्वास की थी इसी तरह अदब अहतराम में ये चीज़ भी शामिल हैं कि दर्स के दौरान जो है नज़म नजम्त की पाबंदी की जाए नजम जब की जो है पाबंदी की जाए क्योंकि ये चीज़ जो है सही इस्तेफादे के लिए मुफीद चीज़ होती है उसदा से फ़ायदा उठाना नजम ज़ब्त वक्त की पाबंदी अति के आने से पहले हम क्लास में पहुंचना चाहिए उनका पूरा अदब एहतराम के साथ उनके साथ पेश आना चाहिए इसी तरह अगर दौरान दर्स कोई इश्काल है कोई डाउट है तो पूरे अदब एहतराम से जो है बातचीत करनी चाहिए उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए और पेजा सवालत नहीं करना चाहिए उनको तंग करना उनको परेशान करना या जो चीज़ें वाजे हैं बिल्कुल इस तरह ना ही पूछना कि उनको कोई तकलीफ़ हो यह तमाम चीज़ें जो हैं एहतराम में दाखिल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही मानों में हमारे अस्तदा मुरबीआन मम का जो है उनका जो मकाम है उनका मर्तबा है उसको समझते हुए उनके जो हकूक़ हैं और उनका पहला हक अहतराम के सिलसिले में जो बातें हमने सुनी हैं अल्लाह ताला, ताला उसको समझने की तोफ़ता फरमाएँ और कमा हक का जो है अमल की सदतल न से फरमाएँ और इस सिलसिले में जो कोताहियाँ होती हैं अल्लाह ताला दरगुजर का मामला फरमाए अल्लाह ताला हमें सही तौफीक दे आमीन सुमा आमीन वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मबीन والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ